नमस्कार। आज मैं आपको पांच ऐसी किताबों के बारे में बताऊंगी जो अगर आपने आज तक नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़नी चाहिए। जैसे नया मंथ जब शुरू होता है तो कुछ लोग नई नई लिस्ट बनाते हैं, जैसे कुछ लोग ग्रॉसरी की लिस्ट बनाते हैं, कुछ लोग नए नए प्लान्स की लिस्ट बनाते हैं, कुछ लोग मीटिंग्स की लिस्ट बनाते हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो टीबीआर लिस्ट बनाते हैं, टीबीआर यानी टू बी रीड लिस्ट बनाते हैं, जिसमें वो कुछ किताबें ऐड करते हैं जो उन्हें इस मंथ में पढ़नी होती है। तो मैं पांच ऐसी किताबों के साथ यहाँ पर हूँ जो आपको अक्टूबर की टीबीआर लिस्ट में जरूर रखनी चाहिए। पहली किताब है, वो है ओघड़। ओघड़ इसके राइटर है नीलोत्पल मृणाल। अगर आपको गांव की छोटी छोटी चीजों को, जैसे इन्होंने एक गांव और उसकी राजनीति, वो कितने अंदर तक फैली है, कितने जड़ में है वो चीज और उसका क्या क्या असर है, वो इन्होंने एक कहानी के माध्यम से बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया है। अगर आपने इनकी किताब नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़िए। इनफैक्ट इनकी एक और किताब है डार्क हॉर्स, वो भी आपको पढ़नी चाहिए। दूसरी किताब है मसाला चाय और इसके राइटर हैं दिव्य प्रकाश जी। अगर आपको छोटी छोटी कहानियां पसंद हो और छोटे छोटे मूवमेंट सहेजना पसंद हो, बट आपने मसाला चाय नहीं पढ़ी है तो ये गलत बात है, क्योंकि पढ़नी चाहिए ये। कभी आप चाय पीते रहें और थोड़ा सा फुर्सत निकाल कर इसकी गर्माहट को भी महसूस कीजिए। काफी अच्छी किताब है, आपको जरूर पढ़नी चाहिए। तीसरी किताब है बनारस टॉकीज, सत्य व्यास जी ने लिखी है। ये किताब बीएचयू में पढ़ रहे तीन दोस्तों के ऊपर आधारित है और बहुत ही मजेदार तरीके में है। एक फ्लो है इस किताब में, जिसे आपको अगर कभी भी हंसना हो या दूसरों को हंसाना हो, ये किताब लीजिए और शुरू हो जाइए। यकीन मानिए हंसते हंसते आप लोटपोट हो जाएंगे। वो कुछ इसमें रोमांचक बातें भी हैं जो गूजबम्प्स ला देती हैं आपको। ये बहुत ही अच्छी किताब है, आपको जरूर पढ़नी चाहिए। चौथी किताब है कित्ते पाकिस्तान, इसके राइटर हैं कमलेश्वर। आपने अक्सर देखा होगा कि किताबों में कोई नायक होता है या तो कोई नायिका होती है, लेकिन ये किताब की कहानी ही कुछ अलग है। इसमें कोई लड़का नायक नहीं है, कोई लड़की नायक नहीं है, बस वक्त सबसे बड़ा नायक इसमें वक्त है। वक्त हर बार अदीब की अदालत में अपने आप को लेकर प्रस्तुत हो जाता है, अपने टाइम के इतिहास को लेकर के। इतिहास को आप इसमें एक नए तरीके में देखेंगे, अलग ही कहानी है। इसको पढ़िए, इसको देखिए, साहित्य अकादमी भी मिल चुका है और इसमें पीछे ना कुछ ऐसा लिखा है कि आप पढ़ेंगे तो ये पहला इंप्रेशन ही बढ़िया पड़ेगा। इस बार जरूर आपको ये टीबीआर लिस्ट में शामिल करना चाहिए अगर आपने नहीं पढ़ी अभी तक। तो पांचवी किताब गुनाहों का देवता, इसके राइटर हैं धर्मवीर भारती। ये किताब कितने टाइम से चली आ रही है, इसी तरीके से लोग पढ़ते जा रहे हैं, फिर भी लोग पढ़ते ही जाते हैं क्योंकि इस किताब से, इस कहानी से लोगों को प्यार हो जाता है। सुधा और चंदर, ये नाम ही जब आप सुनेंगे तो आप गुनाहों का देवता की याद आएगी। ये इतनी अच्छी किताब है, इसमें सुधा और चंदर का प्रेम आपको भाव विभोर कर देगा एकदम। उसके बाद से जब कभी कोई सुधा चंदर बोलेगा ना तो दिमाग में गुनाहों का देवता आएगा, धर्मवीर भारती आएंगे। ये ऐसी किताबें हैं, पांच किताबें जो मेरे पास 5 स्टार वाली लिस्ट में शामिल हैं। इन सबको मैंने पर्सनली पढ़ा है और सबको मैंने 5 स्टार भी दिया है और सारी ही किताबें ऐसी हैं कि अगर आप एक बार पढ़ेंगे, ले आएंगे तो रिग्रेट नहीं फील करेंगे इसको पढ़ने के लिए, बल्कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि आपने अभी तक ये किताबें छोड़ी क्यों थी, कैसे छूट गई। पढ़नी चाहिए।